सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो आज की इस वाली वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप अपने मैक्रोमैक्स के फ़ोन के अंदर जो आपके एयरबड्स होते हैं, आप उसे कैसे डिस्कनेक्ट कर सकते हैं अपने फ़ोन के साथ। तो ये वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना। अगर आप चैनल पर नए हो, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ पे पहले आपको सिंपली सेटिंग्स को ओपन करना पड़ेगा। सेटिंग्स ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा कनेक्टेड डिवाइस का, आपको सिंपली उस पर क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद आप देख सकते हो कि जो मेरा एयरबड्स है वो पहले से कनेक्ट हो रखा है। अब इसको डिस्कनेक्ट करने के लिए जो भी आपका एयरबड्स का नाम है, ठीक है, उसके बगल में कुछ आपको इस सेटिंग्स का आइकन दिख रहा होगा, ठीक है। सेटिंग्स के आइकन में क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद यहाँ पे अब हमारे पास दो ऑप्शन आ चुके हैं, आप देख सकते हो, एक फॉरगेट का, एक डिस्कनेक्ट का। अब हमें डिस्कनेक्ट करना है तो हम सिंपली डिस्कनेक्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। ये डिस्कनेक्ट हो चुका है, बैक कर देना, ठीक है, आप देख सकते हो। तो आप इसी तरह अपने माइक्रोमैक्स के फ़ोन के अंदर जो आपका एयरबड्स है उसको डिस्कनेक्ट कर सकते हो। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना। अगर उस चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना।